आप छोले भटूरे लिए भैया? कैसा है, कैसा है इसका स्वाद? बहुत मस्त है, बढ़िया है स्वाद, बहुत बढ़िया है। ये 10,000 की साड़ी है, ये कौन सी फैब्रिक है? तुम लोग भी दुकान संभालते हो? चलो ठीक है, आप बताओ ना कि कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। मधुबनी का सूट। अच्छा, मधुबनी का सूट साड़ी। अच्छा अच्छा, क्या क्या रेंज है अंकल आपके यहाँ, कितने से कितना स्टार्ट होता होगा? 80 रुपए वाली, 80 रुपए में मिलती है आप? 80 रुपए वाली कौन सी है? Hey guys, how are you all? I hope you all are doing very good. So guys, आज मैं आया हुआ हूँ गांधी मैदान में और पटना में यहाँ पे लगा हुआ है हैंडलूम एक्सपो। तो मैंने सोचा कि चलो इसको कवर करते हैं, और बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग डाला भी नहीं था, तो एक्चुअली अलॉन्ग विद दिस ब्लॉगिंग कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, डैट्स वाई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है यार कि मैं नहीं कंटिन्यू कर पाता हूँ, बट कोई नहीं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ गांधी मैदान आए हुए, वहाँ का पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। और तो चलो, शाम भी हो चुकी है एंड इट्स बीन 5:50 हो रहा है, तो देखते हैं हम लोग सही जा भी रहे हैं या नहीं, और डू वी नीड टू आस्क समवन कि लोकेशन सही है या नहीं। लोकेशन तो सही है, डायरेक्शन सही है या नहीं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड आई होप ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको। तो चलिए 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 जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे देखो लाइटिंग, यहाँ पे टेंट, और लोग भी अभी अच्छे खासे हैं, बहुत सारा लोग हैं और चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए तो हम लोग आ चुके इस जगह पे, और कौन सा गेट था वो, मैं आपको वो गेट नंबर बता दूंगा कि आप उसी गेट नंबर के पास उतरना, सो दैट यू कैन इजिली एसेस दिस लोकेशन। और क्योंकि हम लोग उतर गए थे गेट नंबर 5 के पास। अच्छा, मैं गेट नंबर बता दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये लगी हुई है, यहाँ पे ये झालमुरी एंड ऑल बिक रहा है, तो इधर चलोगे और आगे भी चलते पहले? चलो अंदर चलते पहले। वाह, कारपेटिंग अच्छी की हुई है इस पे, और यहाँ पे पूरा वुलेन, जितना भी आपको चीजें मिलेंगी उधर सिर्फ खाने पीने की चीजें हैं। और देखते हैं सबसे पहले खाने पीने की चीजें क्या है। चलो चलो चलो, लोग यहाँ खा भी रहे हैं, और यहाँ पे इनके पास है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अचार, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं भैया? लिट्टी चोखा और हमको भी इंट्रोड्यूस करवाइए। बिल्कुल, मैं आता हूँ उधर से, फिर आपको जरूर फीचर करूंगा मैं। यहाँ पे चाट, यहाँ पे ये देखो छोले भटूरे है ना, हाँ छोले भटूरे, कुछ चाइनीज स्टफ्स भी है यहाँ पे, सैंडविच की चीज़ है। चलो प्राइसिंग एंड टेस्टिंग तो बाद में होगी, पहले चलते हैं इधर कुछ देखते हैं, आफ्टर वर्ड्स वी विल ट्राई टू फीचर ऑल द बेसिक थिंग्स विच इज अवेलेबल अप हियर। ओके, तो हाँ जाते हैं इधर। सबसे पहला इधर भीड़ भी है यार देखो, और यहाँ पे मिल रही है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ साड़ीज, यहाँ पे सूट वूट के कपड़े भी हैं। भैया आप लोग क्या रखे हो, ये यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होगा आपके पास? सब हैंडलूम मटेरियल है। अच्छा, वो तो हैंडलूम का तो एक्सपो ही लगा हुआ है ना यहाँ। अच्छा, आपके पास क्या क्या चीजें हैं? सिल्क साड़ी, सूट, लेडीज आइटम, लेडीज आइटम। अच्छा लेडीज आइटम, ये पूरा मार्केट लेडीज आइटम के लिए है? जेंट्स भी है, जेंट्स का कुर्ते का कपड़ा मिलेगा, शर्ट का कपड़ा। अच्छा, अगर ट्रेडिशनल ना लेना चाहूँ कुछ और, कुछ ट्रेडिशनल ही मिलेगा, एथनिक छोड़ के, अगर मैं कुर्ते पैजामा को छोड़ के अगर कुछ जीन्स वंस है या टी शर्ट कुछ देखना चाहूँ? हैंडलूम पे नहीं तैयार होता है वो, नहीं स्वेटर स्वेटर या कुछ कुछ नहीं, हैंडलूम में जो तैयार होता है वो होगा, ये मशीन। अच्छा, आपके पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की है? रेंज
1500 से लेके 10000 तक के रहे। 1000 से लेके 10000। आप 1000 वाली 500 वाली दिखाएंगे क्या? कोई भी एक मीटर के हिसाब से वो सब नहीं, साड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। साड़ी 1000 से शुरू होगा। 1000 से 1000 वाली कौन सी है आपकी? ये सब 1200 का। अच्छा, ये 1200 वाली सब है। उधर 4 है, उधर ये 6000 है। अच्छा, 6000 वो जो वो दोनों जो टंगी है। अच्छा अच्छा, ये वाली ये सब लीजिए, ये 10000 की। ये 10000 की साड़ी है? ये कौन सी फैब्रिक है? कोसा सिल्क में। कोसा सिल्क। तो वैरायटीज तो है आपके पास विद इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। और तो चलिए और भी देखते हैं, और भी फीचर्स करते हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं फिर। यहाँ पे भी अच्छे खासे, इधर ये भी अभी साड़ी रखे हो और साड़ी सूट ये सब, मतलब लेडीज वेयर है ना? अच्छा, यहाँ पे साड़ी सूट बहुत सारे यार भरा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि कुर्ता, अगर आपको एथनिक कुछ लेना हो ना, सारा मैं हैंडलूम, टोटली हैंडलूम। एंड आई थिंक भीड़ भी है। अच्छा, पीपल आर गेटिंग क्राउडेड ओवर हियर फॉर दिस। बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या अभी आपके पास? मधुबनी का सूट। अच्छा, मधुबनी का सूट साड़ी। अच्छा, आप इसको थोड़ा खोलोगे? इसका प्रिंटिंग मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको खोल के दिखा देते हैं सर। ये देखिए, ये आपका आ जाएगा मधुबनी में सूट। अच्छा, खादी में सूट आता है। ये सूट के कपड़ा है ना? ये दुपट्टा आएगा। अच्छा, ये सूट का कपड़ा, ये सलवार, ये 3 पीस में आएगा। अच्छा, ये जो चीजें हैं इसमें मशीन जरा भी वर्क यूज नहीं होती या टोटली आप लोग हैंड ही करते हैं? हैंड से बनाया ये सब। सब अच्छा अच्छा, क्या प्राइसिंग अभी आपकी इसकी? ये ज्यादा नहीं, हम लोग मजदूर लोग हैं तो 1250 का बेच देते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो ये तो मैं पहली बार यहाँ नहीं आ रहा हूँ, यहाँ पर तो ये डिस्काउंट एंड थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो होती होगी ना? हाँ। अच्छा, ये 1250 की है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है फिर। अगर जरूर बिल्कुल। यहाँ पे भी है चीजें, यहाँ पे क्या रखा है, क्या रखे हो भैया ये सब? ये बेडशीट है सर। अच्छा, ये बेडशीट, बेडशीट सब वुलन वाली है या गर्मियों में यूज करने वाले भी है? वुलन भी आता है सर, आदि वुलन दोनों चलता है। अच्छा, एक दो हमें वुलन दिखाइए थोड़ा। क्या ये चादर है? कैसे चादर? इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस आएगा 300 रुपए, 300। सिंगल बेड है? अच्छा, 1500 का आता है, डबल बेड है, किंग साइज, और डिस्काउंट पर 1200 रुपए का पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके साथ पिलो कवर भी देते हैं या बस? पिलो कवर में सर हमको वो लग जाता है जीएसटी, इसलिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। पिलो कवर में जीएसटी लगती है आपको? नहीं, वो सेंटेक्स में आ जाता है, इसलिए हैंडलूम में नहीं बनता। हैंडलूम का है इसलिए इसको विदाउट पिलो कवर बनाया जाता है, मल्टीपर्पज यूज होता है। तो अगर अगर मेरे को चाहिए पिलो कवर, तो पिलो कवर आप अलग से रखते हैं या नहीं रखते? वो अलाउड नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, क्या शॉप का आपका नाम है? बनारस से आए हुए हैं। बनारस से आए हुए हैं आप? अच्छा अच्छा, तो वही मैं पूछ रहा, आपके शॉप का नाम कहीं नहीं दिख रहा? नाम इधर वो लगा 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 था एक दिन बाद। कब से ये लगा हुआ है? ये कब से लगा हुआ, कब तक रहेगा? 3 दिन, अंतिम 2 दिन बचा है। लास्टिक की इसके बाद ये कितने तारीख तक? 21। अच्छा, 21 को ये सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो सो गाइज, यू हैव ओनली 2 डेज लेफ्ट, इफ यू वांट टू कम देन कम एंड एंजॉय दिस प्लेस। ओके, आपके यहाँ की साड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये कौन कौन से वैरायटीज में साड़ी रखे हो भाई? सब वैरायटी में है। अच्छा, ये रेड वाली जो आप दिखा रहे हो, ये रेड वाली? हाँ, बनारसी है। बनारसी है? अच्छा, प्रॉपर हैंडलूम? थोड़ा निकालना उसको। यहाँ पे ऐसे साड़ी भी बहुत सारी तरीके की है। एक्चुअली ये मार्केट लग रहा है कि लेडीज ओरिएंटेड ज्यादा है ना? हमारे लिए कुछ तो है नहीं ज्यादा, है ना? कहाँ से हो भाई आप? हम कैमूर भवन
कहाँ से? कैमूर भभुआ। भभुआ, अच्छा। ये आपने खुद बनाया है ये सब? जी, हम खुद बनाते हैं। अच्छा, कौन बनाते हैं? आप लोग बनाते हैं? हम खुद बनाते हैं। अच्छा, यहाँ तो चलिए, यहाँ तो साल में एक बार लगता है, बाकी आप लोग क्या करते हो फिर? बाकी जहाँ भी सरकारी मेला लगता है वहाँ पे हम जाते। मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं? अभी आरा लगा हुआ है शादी का। अच्छा, शादी मेला लगा। इस जगह पे तो मोस्टली हर बार ठंडे में पड़ती है ना ये चीज़ है? जी, जी। तो हर साल आते हैं हम लोग। अच्छा, हर साल आते हो? अच्छा, क्या प्राइस पड़ता है इसका? पैंसठ सौ का। प्रॉपर बनारसी है ये? इसमें डुप्लीकेट भी आता है। डुप्लीकेट भी रखते हो क्या? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? समझ में आ जाएगा भैया, तो मेरे, मैं तो सारी पहनता नहीं, मेरे को क्या पता चलेगा? समझ में आ जाएगा। आप बताओ ना कि कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ये तुम्हारा बड़ा चिकना चिकना लग रहा है, ये भी चिकना ही लग रहा है। अच्छा, मेरे को नहीं पता चल रहा भैया, आप बताओ। ये देखिए, ये अंका पॉलिएस्टर धागा का बना हुआ है। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा चिकना लग रहा है वो। अच्छा अच्छा, क्या प्राइस है उसका? 4500 की। अच्छा चलो, आपके यहाँ से साड़ी, साड़ी की वैरायटीज अच्छी है। क्या नाम है भैया आपका? मेराज अंसारी। क्या? मेराज अंसारी। मेराज अंसारी, शॉप का? शॉप का कैमूर बनारसी साड़ी। अच्छा, कैमूर बनारसी साड़ी, ओके। मेरे को लग रहा था कि ये 15th of January तक चलेगा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ओनली 2 days आर लेफ्ट। तो कोई नहीं, यहाँ पे आप लोग के लिए पर्स भी मिल जाएगा, बहुत वैरायटीज ऑफ पर्स भी है। एक्सक्यूज मी अंकल, ये पर्स कितने रखते हो ना आप लोग? अच्छा, क्या क्या रेंज है अंकल आपके यहाँ? कितने से कितना स्टार्ट होता होगा? 80 रुपये वाली, 80 रुपये में मिलती है आप? 80 रुपये वाली कौन सी है? 80 रुपये की। ये क्या है? लिपस्टिक रखने के। अच्छा, लिपस्टिक रखने के लिए पर्स। अच्छा, अंकल कह रहे हैं पीछे से चुनौती है। वो सब का प्राइस कितना? अच्छा भैया, नाइस, इट्स क्वाइट इनोवेटिव कि आप लिपस्टिक के लिए भी अलग से, ये 80 रुपए वाली है, मेरे को लग रहा था इसमें से कुछ दिखाओगे आप। अच्छा अच्छा, आप एक बात बताइए, बाकी कपड़ों में तो समझ में आता है कि लोग हाथ से बनाकर सब चीज कर रहे हैं, पर्स आप लोग कैसे बनाते हो हाथ से? हाथ से पहले ये मैंने करते हैं कि इसके ऊपर मैं पोस्ट कर करके, उसके अच्छा। बाद हाथ से कलर कर करके, उसके बाद फिर इसमें जो ऐसे ही करके घिसाई करते हैं, उसके बाद कटिंग कर करके फिर बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पास सबसे हाईएस्ट रेंज वाली? हाईएस्ट रेंज वाले जो 1650 की। 1650 की कौन सी? अच्छा, इसका गारंटी वारंटी क्या होता होगा? फुल लेदर है, 100% का चमड़ा है, शीप भेड़ का चमड़ा है, बफेलो है। अच्छा, कहाँ से अंकल आप? हम दरभंगा से रहने वाले हैं, बिहार के उटी। अच्छा अच्छा, लेकिन रात में ही थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है देखकर, बिकॉज पीपल आर गेटिंग क्राउडेड। और उधर भी है? अच्छा, उधर भी है चीजें। अभी हम लोग सिर्फ एक जोन में गए थे, अब इधर चलते हैं। कितनी होगी साड़ी है? इधर भी सब साड़ीज हैं एंड ऑल, बहुत सारी चीजें। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। इधर भी सब साड़ीज हैं और इधर हमारा है पूरा कार्पेट एरिया, यहाँ पे बहुत तरीके के आपको कार्पेट्स मिल जाते हैं। ये देखो, ओहो, पूरा कार्पेट भरा पड़ा है एकदम यहाँ पे। दिस ऑल आर हैंडलूम, ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है देख के गाइस। लेकिन यहाँ पे ये जान लीजिए, यहाँ पे ये प्राइस जो है ना कारपेट का, अच्छा खासा रखते हैं ये लोग, ये चीज है। ये देखो, फिर जो लोग यहाँ आए हुए ना, उनसे भी थोड़ा फीडबैक लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है ये चीज। एक्चुअली मेरे को लग रहा था नहीं कि यहाँ पे ये चीजें होंगी इस बार। यहाँ सामने उद्योग भवन के सामने ये है, और है अच्छी खासी, यहाँ पे भी कारपेट अच्छा खासा लगा हुआ है। इन कारपेट की क्या प्राइसेस हैं? सबके अलग अलग है, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसकी बताइएगा, इसकी इस वाली की।
अच्छा 6500 की, लेकिन ये वाली तो इसके जो थ्रेड्स है ना वो तो बहुत निकलते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा निकलता है भैया थोड़े दिन के बाद। ये हैंडमेड वाला काट रहे हैं, मैंने हैंडलूम ही ले रखा है लेकिन वो बहुत निकलता है स्टार्टिंग में। कितने बजे तक ये रहते हैं भैया ये जो पूरा? 8 बजे के बाद आप लोग पैकअप कर लेते हो अपना? अच्छा, ये सिर्फ आप करते हो या सब जगह बंद हो जाता है ऐसा? अच्छा, हर दुकान की इनको आइडिया नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज जब देखो तो 8:30 तक चीज़ें बंद भी होने लगती है क्योंकि ठंडी है अभी। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि रात ज़्यादा होंगे तो लोग, अगर आप इंजॉय पर्पज से आते हो ना तो कोई भी लड़का हो चाहे लड़की आराम से आओ घूमो फिरो। और लोकेशन अच्छा है, पटना के मेन सेंटर पर गांधी मैदान पर है और अच्छा है। यहाँ पर भी देखिए आई वेस्ट कोट, चलो कोई तो है, देखना है तेरे को वेस्ट कोट। ये देखो यहाँ पे वेस्ट कोट भी है, क्योंकि ठंडी आ रही है और आप वेस्ट कोट कुछ हैंडलूम टाइप के कुछ लेना चाहते हो तो आ सकते हो। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से हो? कलकत्ता गोलपारा से। अच्छा, कलकत्ता से। अच्छा अच्छा, चीजें ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही टाइप की है। और यहाँ पे मेरे को तो ये लग रहा पक्का कोई अच्छा लग रहा है। ये भी यहाँ पे भी कुर्ता वर्ता है और इधर चीज़ें हैं, साड़ीज बहुत सारी हैं, तो लेडीज़ तो मोस्ट वेलकम यहाँ। आप यहाँ आओ क्योंकि साड़ीज़ तो साड़ीज़ यहाँ पर बहुत सारी, और बेड सीट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर हम लोग के जैसे कोई फूडी हैं तो खाने के लिए उधर स्टॉल्स हैं, आप आ सकते हो। और गांधी मैदान ऐसे भी खाने के लिए फूड स्टफ्स के लिए इट्स वेल नोन इन पटना। कभी कभी भी आप स्ट्रीट साइड फूड खाना चाहो, यू मस्ट ट्राई वंस गांधी मैदान स्ट्रीट फूड, यू विल डेफिनेटली थैंक मी अ लॉट। चलिए तो यहाँ से निकलते हैं अब। आई थिंक ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, थोड़ा बहुत पूछते हैं लोगों से कैसा लग रहा है उनको। आप क्या बेच रहे हो आंटी? ये सॉल है। अच्छा, आप सिर्फ सॉल रखे हैं, ये आपने खुद बनाया है क्या? जी हाँ। अच्छा, और क्या प्राइस पड़ता है इन सॉल का? जी 600 तो। अच्छा 600। अच्छा, ये बनाती आप है? अच्छा, और ये कितने का है? सब ये 600। 600 का है। कहाँ से हैं आप लोग? बिहार शरीफ। अच्छा, गया से। अच्छा अच्छा, तो कब तक यहाँ लगाओगे आप लोग यहाँ पे? 21 तक, उसके बाद फिर खत्म। ये अच्छा, ये जो फेयर है ये कितने बजे रात तक रहती है? जी आपका बंद हो जाएगा। अच्छा, 8 बजे तक। 8 बजे तक रहेगा ना। अच्छा अच्छा, ये दोनों शॉप आप ही का है क्या? अच्छा, उसमें क्या रखे आपने? अच्छा, उसमें भी वही चीज़ है। अच्छा चलिए चलिए, तुम लोग भी दुकान संभालते हो। चलो ठीक है। अच्छा, तो ऐसे तो स्कूल होगा गया में ही ना? अच्छा, तो संडे था तो यहाँ आया है, तो कल से स्कूल जाना है ना कि नहीं जाना है? ठंडी की छुट्टी हो गई। चलो ठीक है, आइए आइए। अच्छा, आप अपना शॉप का नाम बता देना, आप शॉप का नाम बता दो, क्या नाम है आपके शॉप का, लोग अगर आना चाहेंगे तो। अच्छा, तीन के शॉप का नाम है ये, और इनके पास एक सही रेंज में दोनों एक ही है, एक सही रेंज में मेरे को अगर देखा जाना, ये चादर अच्छे अच्छे है यहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे आओ और इनकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन खाने के लिए तो अच्छी खासी भीड़ है, लोग अच्छे खासे भीड़ में जुड़े हुए हैं यहाँ। और आई थिंक वी शुड ट्राई समथिंग राइट अप हियर। अच्छा, क्या क्या आपके पास है? अच्छा, प्राइसिंग भी बताते जाइए, लिट्टी चोखा का क्या प्राइस है? 50 का 4 पीस है। 50 का 4 पीस है। अच्छा अच्छा अच्छा, और चौमिन का 50 रुपए प्लेट है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए अपने को, लिट्टी चोखा या क्या? छोले भटूरे में मन नहीं है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू ईट, afterwards I'll try to show you, okay? भैया हमारे लिए एक प्लेट लिट्टी चोखा कर दीजिएगा, ठीक है? और ऐसा कीजिएगा ना कि दो दो करके दो जगह कर दीजिएगा, ठीक है? हम लोग यहीं पे हैं। भटोरा नहीं ना अभी। एक्चुअली शाम 6 बज चुके हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ चुका है और वी आर लिटरली सो थ्रिल्ड, और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। लेकिन वीडियो तो बनाना था क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया था वीडियो बनाए हुए, तो चलिए थोड़ा सा लिट्टी चोखा हमारा आता है, फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ इट्स गोना टेस्ट।
मिला है तो बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ऑथेंटिसिटी के लिए, लेकिन देखते हैं तब भी बिहार का फेमस लिट्टी चोखा और ट्राई करते हैं। और उसके साथ क्या देते हैं लिट्टी के साथ? आलू, बैंगन, टमाटर। अच्छा अच्छा, और ये वाली? अच्छा इसमें लिट्टी है सर? इसमें लिट्टी नहीं है। अच्छा लिट्टी नहीं है, वैसा ही रखा हुआ है ना? हाँ, है। अच्छा आप लोग खाए भैया यहाँ पे कुछ? अभी बस ट्राई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आप लिए होंगे कुछ तो कुछ रिव्यू। अच्छा जलेबी अच्छा है? चाय भी अच्छा है। अच्छा चाय और जलेबी दो चीज़ ट्राई की, दोनों अच्छा। अभी ये दोनों। हाँ चलिए ठीक है, ट्राई कीजिए फिर। कौन से चैनल पे डालिएगा? मैं अपने द ब्लॉग जोन करके चैनल है मेरा। क्या नाम है? द ब्लॉग जोन। द ब्लॉग आपका क्या नाम हुआ? उज्जवल नाम है मेरा। बिल्कुल। आप छोले भटूरे लिए भैया? कैसा है, कैसा है इसका स्वाद? बहुत मस्त है। बढ़िया है स्वाद? बहुत बढ़िया है। अच्छा कैसे प्लेट पड़ा आपको? 30 रुपए प्लेट। 30 रुपए? तो प्राइस वैसे ज्यादा नहीं है। ठीक है ठीक है, एंजॉय कीजिए आप। अंकल ये क्या क्या रखा आपने? ये है गुड़ का लड्डू है। अच्छा ये है मेथी का लड्डू। अच्छा ये वाली? हाँ। अच्छा ये है छेना का बालूशाही, ये छेना का खुरमा, ये आंवला का लड्डू। अच्छा। ये पपीता का लड्डू। अच्छा कैसे है, कोई प्राइसिंग भी थोड़ा बताते जाइए। प्राइस है 20 रुपए पीस है। अच्छा 10 रुपए पीस है, 20 रुपए पीस है, 15 रुपए पीस है, 50 रुपए का 100 ग्राम है, 10 रुपए पीस है। अच्छा और ये सब क्या? ये सब अचार है सब? हाँ, क्या बाकी अचार है? अचार अचार कैसे, कौन कौन चीजें की है? ये हर तरह का जो डिस्प्ले लगा हुआ है टोटल आइटम। अच्छा सारा रखे? हाँ। अच्छा ये सब आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ खुद बनाते हैं। अच्छा तो ये बताइए, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट तो आप डाल देते हैं, एक्सपायरी डेट कैसे डाल पाते हैं? एक्सपायरी डेट भी, मैन्युफैक्चरिंग बैच डेट सारा चीज डाला जाता है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये आप खुद से बनाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि इतने दिन में एक्सपायर हो जाएगा? इसमें हम लोग उसको हाँ हम लोग घरेलू अचार बनाते हैं, उसमें कोई केमिकल कोई दवा नहीं डालते हैं। अच्छा अचार घरेलू 2 साल तक एक्सपायर नहीं होता है। अच्छा अच्छा, अंदाज रहता है कि मेरा अचार इतना खराब नहीं। अच्छा इसलिए आप लोग 2 ईयर्स करके देते हैं? अच्छा अच्छा। हाँ घर पे तो ऐसे भी अचार घर वाली चीजें से जल्दी आती है। हाँ अचार पानी के हाथ से छूने से खराब होता है, मतलब कोई चीनी डालते प्रिजर्व लिए। अच्छा तो घरेलू जैसे बनाते हैं तो हम लोग अंदाज रहता है कि अच्छा अचार अच्छा। खराब 2 साल नहीं होगा, आप पानी के हाथ से नहीं छुएगा अचार नहीं खराब होगा। बिल्कुल आंटी। हाँ हम लोग अचार है तो 2 साल इस तरह रखते हैं। अच्छा नहीं खराब होता है। अच्छा आप लोगों को कभी अचार लेना हो या कुछ लेना हो तो यहाँ पे आइए, एंड दिस इज द ओनली वन शॉप राइट हियर, कि आप यहाँ से आके आराम से अचार ले सकते हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं कुछ कुछ जो कि होममेड है, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द जेन्युइनिटी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे फिर आगे। दो में घी नहीं? घी नहीं, घी नहीं, दो में घी नहीं। यहाँ पे हमारा तैयार हो रहा है प्लेट, और ठीक है थैंक यू। सो गाइस आ चुका है यहाँ पर हमारा बिहार का द फेमस लिट्टी चोखा, और मैंने घी नहीं लगवाया इस पे। तो चलिए यहाँ पे मिला हमें चोखा, प्याज, अचार, लेट्स हैव अ फर्स्ट बाइट। ठीक है, जो ऑथेंटिक लिट्टी चोखा होता है ना उसके जैसा तो टेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ तब भी सही है, मेले के अनुसार से ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, एक्चुअली इट्स गुड। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय बाय। सो गाइस एज मच आई कुड मैंने दिखाने की आपको कोशिश की यहाँ पे कि जो भी लगा हुआ था हैंडलूम एक्सपो, एंड आई होप कि आप यहाँ पे जब आओ ना, यहाँ पर मात्र 2 दिन और बचा हुआ है, दिस फेयर इज टिल 21st of December, और यहाँ आओ और जरूर आप अपने घर से अगर कोई लेडी वेडी हो ना तो उनको जरूर लेके आइए, बिकॉज देर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टफ्स राइट ओवर हियर। तो आप यहाँ आइए और ढेर सारी शॉपिंग कीजिए, बट बार्गेनिंग जरूर करना बिकॉज प्राइस इज लिटिल हायर, लेकिन आप जब बार्गेनिंग करके लोगे ना तो आई होप कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी अच्छी। तो चलिए चलते हैं
इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय 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 बाय।